ओम शांति सुगीत में सुना परमात्मा से प्रॉमिस करते हैं कुछ भी हो जाए हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे और आज के मुरली का गीत है ओ दूर के मुसाफिर तो आज वार वार आज छः तारीख की मूल्य हम पढ़ेंगे कल भूल से सात तारीख की पढ़ ली थी तो आज छः तारीख की पढ़ेंगे और आज वार वार बाबा अपने आप को मुसाफिर का टाइटल देते हैं तो वो तो दूर देश का मुसाफिर है हम भी तो दूर देश के मुसाफिर हैं तो दूर देश से आए हैं तो यहाँ सब हो गए परदेशी फॉरेनर्स सब फॉरेनर्स कई डबल फॉरेनर्स हैं बाकी जो भारतवासी है वो भी फॉरिनर्स हैं अच्छा तो मुसाफिर का जो महातीर्थ है वो कौन सा है हम मुसाफिर हैं हमारा महातीर्थ कौन सा है माउंट आबू जहाँ हम तीर्थ यात्रा करने हर साल आते हैं परसों भी बाबा ने कहा कि डबल फॉरिनर्स कुछ भी करके हर वर्ष चक्कर लगाते हैं और सारा एटलीस्ट सारे छः मास कोई ना कोई होता ही है तो महातीर्थ आबू जो है आज बाबा कहते हैं उसको हमें प्रत्यक्ष करना है सिर्फ़ बाबा को प्रत्यक्ष नहीं करना है आबू महातीर्थ है ये भी प्रत्यक्ष करना है तो आजकल मैं देखती हूँ यहाँ के गुजरात के न्यूज़ पेपर में हर रोज़ आबू की महिमा कुछ ना कुछ आती है तो अभी भारत सरकार भी मैं समझती हूँ आबू की महिमा बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ आर्टिकल डालती रहती है और थाई एयरवेज में हमने देखा वहाँ भी आबू की आबू का प्रचार करते हैं जिसमें पीस पार्क में दिखाते हैं तो लौकिक में भी आबू की महिमा बढ़ाते जाते हैं लेकिन आबू को प्रत्यक्ष करने का काम हम बच्चों का है हर एक बच्चा बाबा का ये दिल में दृढ़ निश्चय करेगा कि हमें बाप को और ये महातीर्थ को प्रत्यक्ष करना ही है जितना हम बच्चों का इतना दृढ़ निर्णय हरे का होगा तो जैसे बाबा ने कहा कि ये आप प्रत्यक्षता कर सकते हैं तो आज की मुरली का सार है मीठे बच्चे शिव बाबा अलौकिक मुसाफिर हैं जो तुम्हें खूबसूरत बनाता है तुम इस मुसाफिर को याद करते करते फर्स्ट क्लास बन जाते हो प्रश्न है हर एक गॉडली स्टूडेंट्स को संगम युग पर कौन सा पुरुषार्थ करने की श्रेष्ठ मत मिलती है कौन सा पुरुषार्थ करना है और कौन सी मत मिलती है लक्ष्य क्या है हमारा ये गॉडली स्टूडेंट लाइफ का राजा पद पाने का तो जवाब है गॉडली स्टूडेंट्स को श्रीमत मिलती है कि इस समय पावन बन राजाई पद पाने का पुरुषार्थ करो तो जैसे लौकिक स्टूडेंट को अपना लक्ष्य नहीं भूलता है हम गॉडली स्टूडेंट को भी ये याद रखना है कि हमें राजाई पद पाना है तो पुरुषार्थ इतना तीव्र होगा हर एक अपना फिक्र करो और दूसरों को कहो के बेहद के बाप का वर्षा लेने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्रता की राखी बांधो राजा पद का पुरुषार्थ पवित्रता पहले और इस मृत्यु लोक में वृद्धि करना बंद करो बाप का बनकर स्वर्ग के लायक बनो बाप की मत पर इस समय वॉइसलेस बनने से तुम इस जन्म के लिए वॉइसलेस बन जाएंगे तो ये मैसेज सबको देना है अपना तो पुरुषार्थ करना है परंतु राजाए पद पाने के लिए अनेकों को अनेक प्रजा बनानी है अर्थात इतनी सेवा करनी है गीत है ओ दूर के मुसाफिर ओम शांति ये रिकॉर्ड तो सब सुन रहे हैं दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले चल। तुम जानते हो हमारा मात पिता वो है दूर का रहने वाला ये मात पिता नज़दीक के रहने वाले हैं लौकिक मात पिता नज़दीक रहने वाले हैं वो पारलौकिक पिता दूर रहने वाला है सब मनुष्य उस दूर के मुसाफिर को याद करते हैं तो दूर का मुसाफिर परिस्थान स्थापन करते हैं जिसको स्वर्ग हेवन कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है वहाँ दुख है ही नहीं हे दूर के मुसाफिर ये कौन पुकारते हैं अगर सब में परमात्मा है तो वो तो नहीं पुकारेंगे कि हे परमात्मा आओ ये ज़रूर है कि सब दूर के मुसाफिर हैं और सब को मुसाफरी करनी है वहाँ से यहाँ आने के वास्तव में सब मनुष्यों की आत्माएं वहां परम में रहने वाली है यहाँ आई है पाठ बजाने लंबी चौड़ी मुसाफरी है परंतु आत्मा पहुंचती है एक सेकंड। तो बाबा ने परसों भी एक सेकंड का पाठ पक्का कराया है कि याद में परम धाम में एक सेकंड में जब चाहो जैसे चाहो उसी घड़ी पहुंच सको एरोप्लेन आदि भी इतना जल्दी नहीं जा सकता आत्मा एक सेकंड में सूक्ष्म वतन मूल वतन उड़ जाती है आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे में आती है वो जो ऊपर से नई आत्माएं आती है उस चाहे आना है चाहे जाना है टाइम उतना ही लगता है नई आत्माएं तो आती रहती है ना वृद्धि को पाती रहती है तो आत्मा जितनी तीखी दौड़ी कोई लगा ना सके तुम जानते हो बाप को भी मुसाफरी करनी पड़ती है वो एक ही बार आकर बच्चों को साथ ले जाते हैं भक्त भी जानते हैं भगवान आकर हमको अपने पास ले जाएंगा यहाँ आकर मिलेगा, तो भी वापस ले जाने के लिए गाते भी हैं हमको पति से पावन बनाओ हमको भी साथ ले चलो तुम जानते हो जो जो अच्छी रीति बाप को याद करेंगे वही नज़दीक आएंगे चाहे माला का दाना बनने में भी वही नज़दीक आएंगे, स्टेटस में भी वो नज़दीक आएंगे और फीलिंग में भी जितना याद करेंगे उतनी समीपता की फीलिंग आएंगे वंडर है ना वही तुम्हारा बाप भी है टीचर भी है सतगुरु भी है नहीं तो बाप को अलग टीचर को अलग याद किया जाता है तो सारी आयु बाप भी याद रहता है टीचर भी याद रहता है आजकल छोटेपन से ही गुरु करा लेते हैं तो मात पिता टीचर और फिर गुरु को याद करेंगे सबको याद करेंगे मात पिता को तो याद करते ही हैं टीचर को भी जैसे पढ़ना शुरू करेंगे याद करेंगे और जो लौकिक गुरु अडॉप्ट किया है उनको भी याद करेंगे फिर जब अपनी रचना रचते हैं तो अपनी स्त्री और बच्चों को भी याद करने लग पड़ते हैं और जब शादी की बच्चे पैदा हुए फिर मात पिता आदि की याद कम होने लगती है अब तुमको याद है उस एक मुसाफिर की आत्मा प्योर है अगर वो नया शरीर ले तो बहुत फर्स्ट क्लास मिलेगा परमात्मा कहते हैं हमको तो नया शरीर मिलता नहीं मैं आता हूँ तुमको खूबसूरत बनाने के लिए वैकुट में तो सब चीज़ें होती ही है खूबसूरत मकान भी हीरे जवारों से सजे हुए रहते हैं तो ये मुसाफिर कितना अलौकिक है परंतु तुम घड़ी घड़ी उनको भूल जाते हो क्यों भूल जाते हैं तुम्हारी है माया के साथ लड़ाई माया बीच बीच में याद भुला देती है बाप कहते हैं तुम मुझे क्यों याद नहीं करते हो कहते हैं बच्चे कि बाबा क्या करें परवश अर्थात माया के वश हो जाते हैं आपको भूल जाते हैं फिर वो खुशी नहीं रहती हैं राजा के पास जन्म लेते हैं तो बच्चे बड़े खुश होते हैं परंतु द्वापर की राजाएँ में तो सुख और दुख दोनों होता है कोई ने गुस्सा किया तो दुख हुआ ऐसे नहीं राजाएं में गुस्सा नहीं करते प्रिंस प्रिंसेस को भी कभी गुस्से में उल्टा सुल्टा कह देंगे बच्चा लायक नहीं होगा तो फिर तख्त पर बैठ नहीं सकेगा बड़ा बच्चा अगर लायक नहीं होता है तो फिर छोटे को बिठा देते हैं यहाँ बाप कहते हैं श्रीमत पर चलते रहो मैं तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए भारत का राजा बनाता हूँ ये भारत दैवी राजस्थान था अर्थात देवी देवताओं का राज्य था यह सिर्फ तुम ही जानते हो जो ईश्वरीय संतान बने हो ब्रह्मा द्वारा <coughs> तुम बच्चे बाप की पूरी बायोग्राफी को जानते हो बाकी कोई भी मनुष्य उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते हम गॉड फादर क्यों कहते हैं ये भी नहीं जानते पुकारते किस लिए है हमको अपना वर्षा दो परंतु वो कैसे मिलता है ये कोई नहीं जानते वर्षा तो बाप से ही मिलेगा, बाप है मुसाफिर ये जो सब हसीन थे उनको माया ने काला कौड़ी तुल्य बना दिया है <clears throat> मुसाफिर हर हसीना की भी एक कहानी है ये मुसाफिर कितनों को हसीन बनाते हैं और कितना ऊंच बनाते हैं बाप हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं हम बाप के बने हैं वो हमको भगवान भगवती बनाते हैं कहते हैं तुम्हारी आत्मा चीची बनी है इसलिए शरीर भी ऐसे मिलते हैं अब मुझे याद करने से आत्मा को पवित्र बनाएंगे तो शरीर भी नया मिलेगा। तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी महाराजा महारानी थे अब माया ने गंदा बना दिया है मेरे को भुला दिया है यह भी खेल है अब तुम जानते हो हर एक मुसाफिर को परिस्तान अर्थात स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं तो उनकी मत पर चलना है ऐसे नहीं बाप दादा को कोई बच्चों की मत पर चलना है <coughs> ये याद रहे हमें बाबा की मत पर चलना है बाबा हमारी मत पर नहीं चलेंगा क्योंकि कई बार कई बच्चे हैं ना बहुत होशियार होते हैं वो समझते हैं कि बाबा को भी हम मत देख मुरली क्या सुनाए मुरली में क्या पॉइंट सुनाए क्या नहीं सुनाए तो बाबा रिमाइंड कराते हैं कि तुम बच्चों को मेरी मत पर चलना है मुझे नहीं नहीं बच्चों को श्रीमत पर चलना है बाप को अपनी मत नहीं देनी है ब्रह्मा की मत मशहूर है वो हुआ जगत पिता तो जरूर जगत माता भी ऐसे ही होंगी जगदम्बा की मत से सबकी मनोकामनाएं स्वर्ग की पूरी होती है ऐसे नहीं इस जगदम्बा को भी किसी मनुष्य की मत पर चलना है क्योंकि साधारण तन में थे ना ब्रह्मा और सरस्वती तो कई बच्चे अपने गमन में आकर मत देते थे इसलिए बाबा याद दिलाते हैं नहीं मनुष्य तो जगदम्बा जगत पिता की मत को जानते नहीं हैं कहते हैं ब्रह्मा भी उतर आए तो भी तुम सुधर ना सको जगदम्बा के लिए क्यों नहीं कहते मनुष्यों को बिल्कुल पता नहीं कि ये क्यों पूजे जाते हैं और कौन है यह अभी तुम जानते हो देखो मम्मा सब तरफ जाती है मत देने के लिए काफ़ी टूअर करती थी मम्मा एक दिन गवर्नमेंट भी इस मात पिता को जान जाएंगी परंतु पिछाड़ी में फिर टू लेट हो जाएंगे इस समय राजा रानी का राज्य तो है ही नहीं दुनिया ये नहीं जानती कि ये सब ड्रामा रिपीट हो रहा है आगे हम थोड़ी जानते थे कि हम एक्टर हैं करके कहते हैं आत्मा नंगी आती है फिर चौला धारण कर पाठ बजाती है परंतु ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते एक कौन नंबर वन पुज्य सो पुजारी बनते हैं कुछ भी नहीं जानते अभी तुम जानते हो क्या जानते हो कि ये मुसाफिर परम धाम का बड़ा अनोखा है इनकी महिमा अपरंपार है यह तो है ही पतित दुनिया जो पति से पावन बनेंगे वही नई दुनिया के मालिक बनेंगे सारी दुनिया तो स्वर्ग में नहीं चलेंगी राजयोग कोई सारी दुनिया नहीं सीखेंगी सारी दुनिया पावन होनी है इसलिए सफाई चाहिए विनाश के द्वारा सफाई होंगी फिर तुमको पावन दुनिया में आकर राज्य करना है इसलिए सारी दुनिया की सफाई हो जाती है सतयुग में कितनी सफाई थी सोने चांदी के महल होते हैं अथा सोना होता है एक कहानी भी सुनाते हैं सूक्ष्म वतन में सोना बहुत देखा कहा थोड़ा ले आऊं? परंतु यहाँ थोड़ी ले आ सकेंगे अभी तुम दिव्य दृष्टि से वैकुंट देखते हो जो अब स्थापन हो रहा है <coughs> जिसका रचता बाप है मालिक है ना, मालिक धनी को कहा जाता है जब कोई निधन के होते हैं तो कहा जाता है इनका कोई धनी धोनी नहीं है तो धनी के बिगर लड़ते जगड़ते रहते हैं घड़ी घड़ी बाबा याद दिलाते हैं अब तुम बच्चे जानते हो हम परम धाम से आए हैं हम परदेशी है यहां सिर्फ पाठ बजाने आए हैं बाप को जरूर आना पड़ता है अब हम पति से पावन बन ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं बाप हमें पढ़ा रहे हैं हम गॉड फादरली स्टूडेंट्स हैं ये भी सुन रहे हैं ब्रह्मा भी सुन रहा है जैसे ये पावन बन राजाई पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं वैसे ही तुम सब करते हो सब पकाते हो हे दूर के मुसाफिर आकर के हमको दुख से छुड़ाओ सुखधाम में ले चलो पावन दुनिया है सत्य वो है वाइसलेस वर्ल्ड वही वर्ल्ड फिर विशेष वर्ल्ड बन गया है वॉइसलेस वर्ल्ड में वॉइसलेस रहते हैं यहाँ सब विकारी है नाम ही है दुखधाम बाप आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं फिर से तुम बच्चों को राज्य भाग्य देना ये तो बाप का ही काम है बाप को कहा जाता है दूर का मुसाफिर आत्मा उनको याद करती है हे परम पिता परमात्मा जानते हैं हम भी वहाँ परमधाम में परम पिता के पास रहने वाले थे तो ये बाप ने समझाया है कि हम चौरासी जन्म भोग अपतित बने हैं पुकारते रहते हैं दूर के मुसाफिर आओ हम तो तमो प्रधान पतित बन गए हैं आप आकर के हमें सतो प्रधान बनाओ तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनेंगे तो वो दूर का मुसाफिर आकर इन द्वारा तुमको पढ़ाते हैं कितने वारी दूर के मुसाफिर को याद किया मनुष्य को देवता बनाने के लिए तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना बाप आकर प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं और कहते हैं ये एक अंतिम जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे इस पवित्रता पर ही झगड़ा चलता है अबलाओं पर अत्याचार होता है तो तुम बच्चों को अब श्रीमत पर चलना है अब सभी की है विनाश काले विपरीत बुद्धि बाप को जानते ही नहीं उनसे विपरीत है कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है सर्वव्यापी कहने से तो कोई प्रीत न रही नहीं अब तुम बच्चे कहते हो हम सभी से प्रीत हटाए एक बाप से जोड़ते हैं तो जरूर उनसे वर्षा पाएंगे बाप कहते हैं भल ग्रस्त व्यवहार में रहो परंतु अगर परिस्थान की परी बनना है तो क्या करना पड़े वॉइसलेस बनो तो आज घड़ी घड़ी बाबा पवित्रता के ऊपर भी जोर दे रहे हैं नहीं तो वहाँ कैसे जन्म मिलेगा? यह तो है ही विशेष वर्ल्ड नर्क वॉइसलेस वर्ल्ड को स्वर कहा जाता है सृष्टि तो वही है सिर्फ नई से पुरानी और पुरानी से नई होती है अब बाप आए हैं पतित दुनिया को पावन मनाने तो ज़रूर उनकी मत पर चलना पड़े श्रीमत गाई हुई है भगवान कहते हैं बच्चे मैं तुमको ऐसे भगवती भगवान बनाता हूँ वास्तव में तुम देवी देवताओं को भगवती भगवान नहीं कह सकते इन सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है भगवान नहीं सबसे ऊंच है मूल वतन सेकेंड नंबर में सूक्ष्म वतन यस्तूल वतन तो थर्ड नंबर में है यहाँ रहने वालों को भगवान कैसे कहेंगे विशेष वर्ल्ड को वाइसलेस वर्ल्ड बनाने वाला एक परमात्मा ही है अब जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे बच्चे जानते हैं कि मात पिता जगदम्बा जगत पिता जाकर पहले पहले महाराजा महारानी बनते हैं अभी तो वो भी पढ़ रहे हैं पढ़ाने वाला है शिव बाबा तो याद भी उनको करते हैं तुम अब उनसे वर्षा लेते हो बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म मेरी मत पर वाइसलेस होकर रहेंगे तो इक्कीस जन्म तुम वॉइसलेस बनेंगे बाबा हमेशा वायदा करते हैं एक जन्म पवित्र रहो इक्कीस जन्म तुमको पवित्र जरूर रहा पुरुषार्थ करने का यह संगम युग है बाप कहते हैं मैं आया हूँ तो तुम इस जन्म में मेरी मत पर वाइसलेस बनो हरे को अपना फिकर करना है और जो भी आए उनको कहना है बेहद के बाप से वर्षा लेना है तो पवित्रता की राखी बांधो अब मृत्यु लोग में वृद्धि नहीं करनी है यहाँ तो आदि मध्य अंत दुख है आसुरी संप्रदाय है सत्युग में देवी देवता राज्य करते थे अब नरकवासी उन्हों की पूजा करते हैं उन्हों को ये पता नहीं कि हम ही पवित्र पूज्य थे अब हमको फिर पुजारी से पूज्य बनना है क्या तुम चाहते हो कि हम बच्चे पैदा करें तो वो भी नर्कवासी बने नर्क में थोड़ी बच्चे पैदा करना है उससे तो क्यों ना स्वर्ग में जाकर प्रिंस को जन्म देवे <coughs> <coughs> बाप का बनने से तुम लायक बनेंगे आजकल तो बच्चे भी दुख देते हैं बच्चा जन्मा तो खुश मरा तो दुख सत्युग में गर्भ में भी महल तो बाहर आने से भी महलों में रहते हैं अब बाप तुमको नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं बाप के बच्चे भी हैं टीचर रूप से स्टूडेंट्स भी हैं और गुरु रूप में फॉलोअर्स भी पूरे हैं आहम आत्मा फॉलोअर्स है बाप के तो बाप कहते हैं मुझे याद करो याद से तुम पवित्र बन जाते हो नहीं तो सजा खानी पड़ती है बाकी धंधा दोरी तो करना है नहीं तो बाल बच्चे कैसे संभालेंगे अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते धारणा के लिए मुख्य साथ सभी तरफ से बुद्धि की प्रीति हटाकर एक बाप से जोड़नी है पवित्र बन परिस्थान की परी बनना है दूसरा मात पिता की श्रेष्ठ मत पर हमें चलना है मात पिता की श्रेष्ठ मत पर हमें चलना है दे अभिमान वश उन्हें अपनी मत नहीं देनी है वरदान एक ही संकल्प में स्थित हो एक ही संकल्प में स्थित हो महातीर्थ की प्रत्यक्षता करने वाले जिम्मेवार आत्मा भव ये आबू विश्व के लिए लाइट हाउस है इस महातीर्थ की प्रत्यक्षता करने के लिए सर्व ब्राह्मण बच्चों का एक ही संकल्प हो कि हर आत्मा को यहां से ठिकाना मिले सबका कल्याण हो जब यह शुभ आशाओं का दीपक हरे के इन अंदर जगे हरे के अंदर ये होना चाहिए और सबका सहयोग हो तब कार्य में सफलता हो सबके मन से ये आवाज निकले कि ये मेरी जिम्मेवारी है जब हरेक स्वयं को ऐसा जिम्मेवार समझेंगे तब प्रत्यक्षता की किरण अब्बा के घर से चारों ओर फैलेंगे स्लोगन अंतर्मुक्ता की विशेषता को धारण कर लो अंतर्मुक्ता की विशेषता को धारण कर लो तो सर्व की दुआएं मिलती रहेंगी परसों दादी जी के प्रति भोग लगाया था उसका संदेश आज सुना रहे हैं बाबा सामने मुस्कुराते नयनों से दृष्टि देते हुए मिले हम वही दृष्टि लेते मधुर मुस्कुराट को दिल में समाते हुए बाबा के नजदीक पहुँच गई तो बाबा ने कहा आओ मेरे दिल तक नशीन बच्ची आओ फिर बाबा ने मीठी दृष्टि के साथ अपने अमूल्य बाहों में समा दिया हम तो ऐसे स्नेह में समा गई जो दो की फीलिंग नहीं रही आप ही सोचो और अनुभव करो कि वो परमात्मा मिलन और बाबा की बाहों का हार हमारे गले में पड़ा है उस समय की लवलीन स्टेज कितनी दिव्य और अलौकिक होंगे तो आप ही एक घड़ी के लिए बाबा की अलौकिक बाहों के हार में समा जाओ ऐसा अनुभव करने के बाद बाबा बोले बच्ची क्या समाचार लाई हो तो मैंने कहा बाबा आज तो सभी ने विशेष हमारी मीठी दादी को याद किया है तो दादी मेरे को दिखाई नहीं दी मैंने कहा बाबा आज आपने दादी को इमज नहीं किया है तो बाबा बोले कि बच्ची ये नुमा शाम का समय है तो बच्ची अपने भक्तों के पास देवी के भिन्न भिन्न रूप से दर्शन कराने गई है ऐसे बाबा कह ही रहा था तो इतने में दादी वहाँ इमरज हो गई और दादी बड़े प्यार से बाबा बाबा करते बाबा के बाहों में समा गए तो बाबा के एक तरफ हम एक तरफ दादी दोनों को बाबा अपनी बाहों में लेकर झुला रहे थे वो अनुभव भी न्यारा होता है फिर बाबा ने कहा दादी आज आपके लिए बहुत याद प्यार आया है तो दादी ने कहा बाबा मैं बाबा में मैं हूँ मेरे में बाबा है तो मैंने कहा दादी सभी कहते हैं क्या दादी बाबा बाबा दादी ऐसा कहें क्या बाबा दादी दादी बाबा कहें क्या बाप दादा के बजाय दादी बाबा क्या कहें आप बहुत याद आती हो ना तो दादी ने कहा कि बाबा में मेरे को देखें फिर बाबा हम दोनों को ऐसे बाहों में लेकर गद्दी पर ले चले और विष्णु के माफिक लेटते हुए पूछा बच्ची बच्चों का क्या हाल चाल है मैंने कहा बाबा अभी तो सभी उमंग उत्साह और खुशी के झूले में झूल रहे हैं क्यों कि कल तो शिवरात्रि मनानी है और खास शिवरात्रि मनाने के लिए सभी आए हैं तो बाबा ने कहा बस यही बाबा चाहता है कि हर बच्चा ये अनुभव करे कि अमृत वेले से लेकर हर रोज हमारा उत्साह भरा उत्सव का दिन है समझा एक दिन शिवरात्रि नहीं मनानी है एक दिन सेलिब्रेशन करके उमंग उत्साह में नहीं रहना है हर एक दिन उमंग उत्साह भरा हो उत्सव का दिन हो यह पूरा ही संगम आप बच्चों के लिए उत्साह का जमा करने का बहुत ख़जाना प्राप्त करने का दिन है जैसे दुनिया में लौकिक मिलकत जब बढ़ती जाती है तो क्या होता है लोगों का उमंग उत्साह धंधा करने में और भी ज़्यादा हो जाता है तो इसी रीत से बाबा कहते हैं जितना आप जमा करते जाएंगे उतना उमंग उत्साह बढ़ता जाएगा इसीलिए बच्चों को कहना कि सदा हर दिन मन में उमंग और उत्साह के प्लान बनाते रहें हर दिन उत्सव समझकर किसी न किसी सेवा में बिजी हो जाओ वर्तमान समय आत्माओं को प्यार की शक्ति की सहयोग की आवश्यकता है तो मनसा सकाश द्वारा उन आत्माओं को अनुभव कराओ कभी बाबा के पास परम धाम में आकर विश्व को सकाश दो जैसे तन की दिनचर्या बनाते हो वैसे मन की भी दिनचर्या बनाओ और सारा दिन उसी में बिजी रहो फिर मैंने कहा दादी आपको सभी ने खास याद किया है तो आप भी कुछ ही खास याद देंगी ना तो दादी बार बार ये कह रही थी कि मैं बाबा में समाई हुई हूँ ना मैंने कहा दादी आपकी याद आपके कर्तव्य के अनुसार पालना के अनुसार सब को आएंगी ना तो दादी ने कहा याद तो आएंगी लेकिन जब भी दादी याद आवे तो दादी को अकेला याद नहीं करना बाबा में समाया हुआ मुझे याद करो दादी ने कहा कि बाबा कहता था बच्चे न विसरो न याद करो तो दादी को भी ऐसा याद नहीं करो जो सिर्फ़ दादी याद आवे क्योंकि दादी अभी बाबा के साथ कम्बाइंड है तो दादी जैसे बिल्कुल निर्मोही लग रही थी वो बाबा बाबा ही कह रही थी फिर मैंने बाबा से कहा बाबा दादी का जन्म हो गया तो सभी को संकल्प है तो बाबा ने कहा देखो दादी को तो मैंने विशेष कार्य के लिए ही पार्ट दिया है एडवांस पार्टी जो है उन्हों का अपना अपना पार्ट है लेकिन जैसे बाबा के अव्यक्त होने के बाद दादी ने सेवा की जिम्मेवारी संभाली ऐसे एडवांस पार्टी जो भी है अभी तक उन सब को भी उमंग उल्लास देने के निमित्त हैं अभी क्या रोल है हर एक में उमंग उल्लास देने के दादी निमित्त है एडवांस पार्टी में भले पहचान नहीं है लेकिन जब भी भी मिलते हैं तो ऐसे फीलिंग आती है जैसे हम बहुत बहुत नज़दीक में हैं जैसे कोई एकदम दिल के प्यारे होते हैं ऐसे ही इनका मिलन होता है तो संगम युग की याद से तो सिर्फ वतन में ही मिलते हैं तो दादी ने कहा देखो आपका भी परिवर्तन का काम है संगमयुगी ब्राह्मणों का कार्य है परिवर्तन का और एडवांस पार्टी का भी काम है परिवर्तन का लेकिन हमारा काम है एडवांस पार्टी का काम है आत्माओं को प्रेरणा देना और आपका काम है पढ़ा के पास कराना ब्राह्मणों का काम है पढ़ाना और आगे बढ़ाना और एडवांस पार्टी का काम है प्रेरणा देना तो अभी बाबा कहते हैं आपको हमने पार्ट दिया है अभी एडवांस पार्टी में ऑटोमेटिकली आप बल भरेंगी यह बहुत सूक्ष्म बातें हैं हम एक दो में सूक्ष्म रिति से भी सकाश देते रहते हैं तो बाबा ने कहा अभी तो दादी अपनी ड्यूटी पर गई है जन्म भी बड़े धाम से हुआ है दादी बच्चे के रूप में है दादी के जो माँ बाप है वो सिर्फ शाहूकार नहीं हैं लेकिन बहुत मिलनसार है बड़े बड़े वीआईपी जैसे उसको शाहिब के रूप में राय बहादुर के रूप में देखते हैं कारोबार में कोई पोस्ट पोजीशन वाल नहीं है लेकिन शाहकार है और शाहकारी मन और धन दोनों की है धन भी है तो मन भी बड़ा है जनरस है इसलिए जैसे शहर में कोई बड़ा नामी ग्रामी राय बहादुर होता है उस रूप से है और दोस्ती का नाता बहुत है फ्रेंडशिप है किसी गरीब से भी दोस्ती और बड़े बड़े भी दोस्त के माफिक है तो बाबा ने कहा कि जब दादी का जन्म हुआ तो बहुत उत्सव मनाया अभी बच्चे के रूप में दादी है लेकिन सबको अनुभव होता है कि यह कोई न्यारा बच्चा है बच्चे को जब कोई देखने मिलने आता है तो वो कहते हैं ये बच्चा न्यारा है इस बच्चे से पता नहीं क्या वाइब्रेशन आते हैं वो ऐसे ही कहते हैं कि जैसे ये फरिश्ता आ गया है माँ उसकी कहती है ये तो अवतार आ गया है इस भावना से बच्चे को देखते हैं पालते हैं बाकी दादी ने कहा कि बाबा मेरे को वतन में बुलाता रहता है और स्पेशल डायरेक्शन भी देता है तो भल मैं बच्चे के रूप में हूँ लेकिन अमृत वेले मैं भक्तों को दर्शन कराने सकाश देने के लिए चक्कर जरूर लगाती हूँ तो ऐसे दादी ने सुनाया फिर हमने समाचार सुनाया कि अभी इंदौर जोन का टर्न है और सभी जगह से शिवरात्रि मनाने आए हैं सभी जगह अपने अपने सेंटर पर भी अब इसी सेवा में बहुत बिजी है रोज़ कोई ना कोई प्रोग्राम आठ दिन पंद्रह दिन से करते आ रहे हैं क्यों कि सभी को उमंग है कि इस शिवरात्रि पर हम बाबा का संदेश तो दे देवें कि आप सब का बाबा आ गया है तो हर स्थान पर कोई न कोई प्रोग्राम कर रहे हैं मैंने कहा दादी आपकी भी यही इच्छा होती थी ना कि सब जगह संदेश जरूर मिलना चाहिए तो इस बारी बहुत फंक्शन सभी कर रहे हैं तो दादी ने कहा मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे भाई बहने अव्यक्त बाबा की दादियों की पालना लेकर उसका प्रत्यक्ष सबूत दे रहे हैं इसलिए सबको बहुत पदम गुणा मेरी तरफ से शिवरात्रि की मुबारक देना और कहना जितना आप कर रहे हो उतना ज्यादा में ज्यादा और करते रहो करते तो हो और भी ज्यादा करते रहो और साथ में मधुबन वासियों को भी याद दिया दादी ने कहा जो भी हमारे सेवा के निमित्त बनी हुई बुझाएँ हैं उन भाई बहनों की आज बहुत याद आ रही है वो भी सभी मेरे को याद करते हैं तो याद का रिटर्न ये तो देवें क्या रिटर्न देना है प्यार और याद का जैसे दादी ने निमित्त बनकर कार्य किया और बाबा ने हमको दिल में समा कर रखा है ऐसे जो भी निमित्त बने हुए हैं वो अपने को निमित्त भाव से एक तो निमित्त भाव हो दूसरा निर्विघ्न रूप से सारे यज्ञ की कारोबार ऐसे चलाएं जो हरेक के अंदर से निकले वाह वाह हरेक सेवादारी साथी सहयोगी स्नेही सब के दिल से निकले वाह वाह किसी के दिल में और कोई व्यर्थ संकल्प ना उठे अथवा कोई भी व्यर्थ कार्य न हो तो दादी से अगर दिल का प्यार है तो मेरी दिल चाहती है वो आप करके दिखाओ तब मैं मानूंगी कि दिल का प्यार है दादी ने कहा मैंने पहले भी दो याद शब्द शब्द याद दिलाए थे निर्विघन और इकोनॉमी तो निमित निर्विघन और इकोनॉमी यह दो शब्द मेरे सदा ही याद रखना ऐसे दादी मिली और ये भी याद दिलाया न विसरो न याद करो बाबा में मेरे को देखो ऐसे आप सबकी याद बाबा को भी देकर वापस साकार वतन में आ गई ओम शांति